हेलो किचन में सभी को वेलकम है, मेरे सारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। फ्रेंड्स, आज ना मैं आपके लिए बनाऊंगी शिकंजी मसाला पाउडर, और वो शिकंजी मसाले पाउडर से ना तरह तरह का हम शिकंजी बनाएंगे। अभी गर्मी में अगर आप ये शिकंजी पाउडर बनाकर रख लेना तो जब जी चाहे आप इसे शिकंजी बनाएं, जो कि गर्मी में काफ़ी राहत देता है, काफ़ी ठंडक देता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मसाला बनाने के लिए मैं एक हैवी बटन वाले पैन को गर्म कर रही हूँ, और इसमें अब हम डालेंगे ज़ीरा 3 टेबलस्पून ज़ीरा, और काली मिर्च 2 टेबलस्पून, और साथ ही हम डालेंगे 6 हरी इलायची। लगातार चलाते हुए लो फ्लेम में हम मसाले को हल्का सा भून लेंगे। हमें मसाला को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। मसाले से खूब अच्छी खुशबू आ रही है, ये भून चुका है। अब हम करेंगे गैस के चूल्हे को बंद, और ये मसाले को ना हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसे अभी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया है, और अब हम इसको एक ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जीरा, ये भुना हुआ नहीं है, कच्चा जीरा है। काला नमक 1.5 टेबल स्पून, नॉर्मल नमक 1 टीस्पून, ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ पाउडर ये 1 टेबल स्पून। सारे चीज़ों को पीस कर हम फाइन पाउडर बना लेंगे। मसाले को पीस कर हम पाउडर बना लिए हैं। इतनी अच्छी गजब की खुशबू है फ्रेंड्स ये शिकंजी मसाले का, तो हमारा शिकंजी मसाला जो है ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर एक कंटेनर ले ली हूँ एयर टाइट, और इसमें ये शिकंजी मसाले को हम डाल देंगे, लीड लगा देंगे। और एक बार अगर आप इस तरह से शिकंजी मसाले बना लें फ्रेंड्स, तो कम से कम 6 से 8 महीने आप इसे इस्तेमाल कर सकती है, जब आपको जी चाहे शिकंजी पीने की। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं तरह तरह का शिकंजी। तो पहले हम प्लेन नॉर्मल शिकंजी बनाएंगे। इसके लिए मैं एक खमानदिस्ता जो है ये ले ली हूँ, और इसमें हम डाल लें थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े से लेमन बारीक कटे हुए, अच्छी तरह से कूट लेंगे। नींबू शिकंजी जो है इसे हम दो तरह से बनाएंगे। तो पहले हम ग्लास में डाल लेंगे आइस क्यूब। अब डालेंगे लेमन एंड पुदीना 1 टेबल स्पून, शिकंजी मसाला पाउडर, अदरक का जूस 2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी काला नमक डालेंगे। हालांकि ये जो मसाला है ना इसमें भी काला नमक है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से हम डाल दिए हैं, बिल्कुल थोड़ा। और इसमें डालेंगे पिसी हुई शक्कर। शक्कर जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से कपियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लेमन जूस में डालेंगे फ्रेश ग्रीन चिलीज। फ्रेंड्स ये बहुत मज़े की लगती है, आप डालकर एक बार ज़रूर देखें। अगर आप चिली से दूर भागते हैं ना तो फिर आप चिली ना डालें। एकदम चिल पानी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और हमारा एक शिकंजी जो नॉर्मल है वो बिल्कुल तैयार है। अब बनाते हैं दूसरा। इसके लिए यहाँ पर मैं सोडा ले ली हूँ, इसमें हम डालेंगे सोडा। आप सोडा की जगह में ना इसमें 7-Up या स्प्राइट भी डाल सकते हैं। इसे हम धीरे धीरे पोर करेंगे, खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गार्निश करेंगे लेमन मिंट लीफ से। तो लीजिए फ्रेंड्स, दो तरह का शिकंजी बिल्कुल तैयार है। वाटरमेलन शिकंजी बनाने के लिए वाटरमेलन लेके उसके छोटे छोटे पीसेस में काट के इसके सीड्स निकाल ली हूँ, और ये वाटरमेलन को ना अभी हम मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल लेंगे, इसे पीस लेंगे, और फिर हम इसे छान कर इसका जूस निकाल लेंगे। मेलन जूस बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम वाटरमेलन शिकंजी बनाते हैं। ग्लास ले ली हूँ, और इसमें डालेंगे आइस क्यूब, जिंजर जूस 2 टीस्पून, आप इसे डालकर देखिए बहुत मज़े की होती है। लेमन जूस 1 टीस्पून, ये मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ऐड करेंगे वाटरमेलन जूस, खूब अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। फिनिश करेंगे मिंट लीफ से। ये वाटरमेलन शिकंजी में मैं शुगर ऐड नहीं की हूँ, क्योंकि ये वाटरमेलन जो है ये बहुत ज़्यादा मीठा है। तो आप जो है ना अपने वाटरमेलन की स्वीटनेस और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ये वाटरमेलन शिकंजी में ना शुगर ऐड कर सकते हैं। ऑरेंज शिकंजी बनाने के लिए मैं ऑरेंज ले ली हूँ, और ये ऑरेंज का ना अब हम जूसर में जूस निकाल लेंगे। ऑरेंज जूस हम निकाल लिए हैं, और चलिए अब हम बनाते हैं ऑरेंज शिकंजी। शिकंजी के लिए एक ग्लास ले ली हूँ, इसमें डालेंगे आइस क्यूब। शुगर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, ये भी अपने हिसाब से डालें, ऑरेंज कितना मीठा है और कितना खट्टा है इसके हिसाब से आप शुगर पाउडर ऐड कर लें। 1 टीस्पून शिकंजी मसाला पाउडर, और इसके साथ ही हम डालेंगे बनाया हुआ ऑरेंज जूस। जैसे हम इसे मिक्स कर लेंगे, और गार्निश करेंगे मिंट लीफ से। मैंगो शिकंजी बनाने के लिए मैं एकदम बिल्कुल पका हुआ आम लेकर इसे धोकर छीलकर इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस में काट ली हूँ। बेसिकली हम मैंगो का जूस बनाएंगे, इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, और इसको भी हम पीस कर इसे हम छान कर मैंगो का जूस निकाल लेंगे। मैंगो को पीस कर छान कर हम इसका जूस निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं मैंगो शिकंजी। आइस क्यूब ले ली हूँ ग्लास में, और इसमें हम डालेंगे शिकंजी मसाला पाउडर 1 टीस्पून, लेंगे जो मैंगो जूस हम बनाए थे वो, ऐसे हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें ना मैं शक्कर ऐड नहीं की हूँ, क्योंकि ये जो मैंगो है ना ये काफ़ी ज़्यादा मीठा है। अगर आपको लगे शक्कर चाहिए तो आप शक्कर पाउडर
ऐड कर लें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और इसको हम गार्निश करेंगे एक कटे हुए मैंगो स्लाइस से। पर मैं ऑरेंज और मैंगो का शिकंजी जो बनाई हूँ वो फ्रेश जूस बनाकर बनाई हूँ। आप चाहे तो बाजार का जो रेडीमेड जूस है ना उससे भी आप ये शिकंजी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी शिकंजी पाउडर अपने घर पर बनाएं और आप हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सैलीज किचन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर रेसिपी मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।